हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ हैशटैग ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के बारे में, और ऐसे ही पोर्चुगीज़ इंडिया कॉइन्स, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के बारे में ऐसी चार पांच सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की जो सीरीज़ है उसके बारे में सबसे पहले मैंने बोला था वीडियो बनाऊँगा, और जो पहले वो सीरीज़ कम्प्लीट करूँगा ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की, उसके बाद दूसरी सीरीज़ कम्प्लीट करूँगा। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स का फर्स्ट एपिसोड है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, आपको ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के बारे में पता चलेगा। ये जो आप स्क्रीन पर कॉइन्स देख रहे हैं, इन सभी कॉइन्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिस वीडियो में मैंने आपको सब बताया है। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स 1835 से 1947 तक जारी किए गए थे। दोस्तों, मैं आपको ब्रिटिश इंडिया रूलर्स के बारे में भी बता देता हूँ। विलियम फोर्थ। विलियम हेनरी का जन्म 21 अगस्त 1765 में हुआ और 20 जून 1837 में उनकी डेथ हो गई। क्वीन विक्टोरिया। अलेक्जेंडरना विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 में हुआ और 22 जनवरी 1901 में उनकी डेथ हो गई। एडवर्ड सेवन। अल्बर्ट एडवर्ड का जन्म 9 नवंबर 1841 में हुआ और 6 मई 1910 में उनकी डेथ हो गई। जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ का जन्म 3 जून 1865 में हुआ और 20 जून 1936 में उनकी डेथ हो गई। एडवर्ड एट। एडवर्ड एट का जन्म 23 जून 1894 में हुआ, 28 मई 1972 में उनकी डेथ हो गई। जॉर्ज सिक्स। जॉर्ज सिक्स का जन्म 14 दिसंबर 1895 में हुआ, 6 फरवरी 1952 में उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, ब्रिटिश कार्यकाल में तीन जगहों से कॉइन्स को मिंट किया जाता था, मद्रास मिंट, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट। दोस्तों, 1829 में कोलकाता मिंट की स्थापना हुई। बॉम्बे और कोलकाता मिंट में लेटेस्ट मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1/12 आना। इस सिक्के को 1835 में और 1848 में ही जारी किया गया था। इस सिक्के का मेटल कॉपर वेट 2.16 ग्राम्स और शेप सर्कुलर। दोस्तों, अगर सिक्के की साइज़ की बात करी जाए तो दोनों ही ईयर में जारी किए जाने वाले सिक्कों के अलग अलग साइज़ हैं। 1835 में जारी किए जाने वाले कॉइन का साइज़ 17.50 से 18 mm तक का है, और 1848 में किए जाने वाले कॉइन का साइज़ 17.50 mm है। दोस्तों, मिंट की बात करी जाए तो इस सिक्के को तीन अलग अलग मिंट में जारी किया गया था, कलकत्ता मिंट में जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं है, और बॉम्बे मिंट में जारी किया गया था जो कि 18 mm के साइज़ में ही जारी किया गया था। मद्रास मिंट में भी जारी किया गया था इस सिक्के को, जिसका डायमीटर 17.70 से 17.90 mm तक है। दोस्तों, इस सिक्के के ऑब्जर्व साइट के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑब्जर्व साइट में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्म्स और ईयर लिखी हुई है। दोस्तों, रिवर्स साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, और सिक्के की वैल्यू लिखी है इंग्लिश और पर्सियन में। पर्सियन फारसी भाषा है, और फारसी भाषा में यहाँ पर सिक्के की वैल्यू और इंग्लिश में लिखी हुई है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को सिक्के की वैल्यू बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिक्का दो ईयर में जारी किया गया था, 1935 में और 1848 में। 1935 में जारी किया जाने वाला सिक्का बॉम्बे और मद्रास मिंट से जारी किया गया था, जिसकी फाइन कंडीशन में आपको 50-50 रुपीज़ मिल सकती हैं, वेरी फाइन कंडीशन में 100-100 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200-200 रुपीज़ आपको बॉम्बे और मद्रास दोनों ही मिंट की मिल सकती है, और UNC कंडीशन में बॉम्बे मिंट की आपको 1200 और मद्रास मिंट की 1500 रुपीज़ आपको कीमत मिल सकती है। दोस्तों, रेयरिटी की बात करी जाए तो ये दोनों ही ईयर के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। 1848 में जारी किए जाने वाले सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में 250, वेरी फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 3000 रुपीज़ तक मिल सकती है। विक्टोरिया क्वीन 1/12 आना। दोस्तों, ऑब्जर्व साइड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट में प्रोफाइल बनी हुई है क्वीन विक्टोरिया की, और रिवर्स साइड में वैल्यू लिखी है इंग्लिश में और ईयर भी लिखी हुई है। मेटल की बात करें तो कॉपर से बनाया गया है ये सिक्का, वेट इसका 2.16 ग्राम से, शेप सर्कुलर है। दोस्तों, अगर ईयर की बात करी जाए तो इस सिक्के को 1862 में जारी किया गया था, और 1874 में जारी किया गया था, 1875 और 1876 में जारी किया गया था। दोस्तों, अगर साइज़ की बात करी जाए तो इसमें 1862 में जारी किए जाने वाले कॉइन का साइज़ 17.48 से लेकर 18.0 mm तक का साइज़ हो सकता है, और 1874 से 1876 तक जारी किए जाने वाले जो कॉइन है उसका साइज़ आपको 17.50 से लेकर 18.0 mm तक मिल सकता है। दोस्तों, इस सिक्के को इंडिया के तीन मिंट में जारी किया गया था। पहला है कलकत्ता मिंट, जिसमें आपको कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा, और इसका डायमीटर आपको 17.40 से लेकर 17.50 mm तक हो सकता है। इस सिक्के को बॉम्बे मिंट से भी जारी किया गया था, जिसका साइज़ 17.90 और 18 mm तक हो सकता है। मद्रास मिंट में भी सिक्का जारी किया गया था, जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं है।
इसका साइज आपको 17.60 और 17.70 mm तक हो सकता है। दोस्तों मैं अब आपको इस सिक्के की वैल्यू बता देता हूँ। इसमें जो 1862 में जारी किया गया था, ये सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है, जिसमें बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और मद्रास मिंट के सभी सिक्कों की कीमत बराबर है, जिसकी फाइन कंडीशन में आपको 50 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में आपको 100 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 1000 रुपीज़ तक मिल सकती है। दोस्तों इसमें जो 1874 में जारी किया गया था कॉइन, वो कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था और इसकी रेयरिटी की बात करी जाए तो ये रेयर की कैटेगरी में आता है, जिसकी फाइन कंडीशन में आपको 5000 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 10000 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20000 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 40000 रुपीज़ तक कीमत आपको इसकी मिल सकती है। और दोस्तों 1875 की कॉइन की बात करी जाए तो ये बॉम्बे और कोलकाता दोनों ही मिंट से जारी किया गया था और दोनों ही मिंट का जो रेयरिटी है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी आपको फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़ और UNC कंडीशन में बॉम्बे मिंट की 3000 रुपीज़ और कलकत्ता मिंट की 2500 रुपीज़ तक मिल सकती है। और 1876 का जो कॉइन है, इसको कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो स्क्वायर की कैटेगरी का कॉइन है, फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़, UNC कंडीशन में 1200 रुपीज़ तक आपको इसकी कीमत मिल सकती है। विक्टोरिया एम्प्रेस 1/12 एलाना। दोस्तों सिक्के के ऑब्जर्व साइड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट में आपको प्रोफाइल बनी हुई मिलेगी क्वीन विक्टोरिया की। रिवर्स साइड में वैल्यू लिखी हुई है इंग्लिश में और ईयर लिखी हुई है। और दोस्तों इस सिक्के के मेटल की बात करी जाए तो कॉपर के मेटल से सिक्के को जारी किया गया था। वेट इसका 2.16 ग्राम से, शेप सर्कुलर है, साइज इसका 17.4 और 18.0 mm तक हो सकता है। दोस्तों अगर इस सिक्के के मिंट की बात करी जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा। कलकत्ता मिंट जो है उसका कोई भी मिंट मार्क नहीं है। जो विक्टोरिया एम्प्रेस यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है, इसमें जो एस है उससे जो थोड़ा दूर होता है वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है। कलकत्ता मिंट के कॉइन में आपको छोटे छोटे डॉट भी आपको नज़र आएंगे बॉर्डर में। कलकत्ता मिंट से इस सिक्के को 2 बार जारी किया गया था, जिसमें पहली बार जो जारी किया गया था 9 मिंट मार्क का सिक्का है, उसमें विक्टोरिया एम्प्रेस का जो एस है उससे आपको थोड़ी दूरी नज़र आएगी, थोड़ी सी आपको विक्टोरिया एम्प्रेस की जो पोर्ट्रेट है उससे थोड़ी दूरी नज़र आएगी। और जो दूसरी बार कलकत्ता मिंट का कॉइन जारी किया गया था उसमें जो है बॉर्डर पर आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आएंगे, जो कि 1882 से लेकर 1887 तक जारी किए गए थे। और बॉम्बे मिंट की बात करी जाए तो इसका भी कोई मिंट मार्क नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे विक्टोरिया एम्प्रेस का जो एस है और विक्टोरिया एम्प्रेस का जो पोर्ट्रेट है उससे थोड़ा करीब है, बिल्कुल पास पास है, तो इससे आप देखकर समझ सकते हैं कि बॉम्बे मिंट का कॉइन है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सिक्के की वैल्यू की। और दोस्तों इस सिक्के को बहुत ही ज़्यादा ईयर्स में जारी किया गया था, तो मैं आपको एक एक करके इसकी वैल्यू बता देता हूँ। इसमें जो 1877 में जारी किया गया कॉइन था, इसको बॉम्बे और कोलकाता दोनों ही मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो बॉम्बे और कोलकाता दोनों ही मिंट के कॉइन रेयर हैं। और वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी फाइन कंडीशन में वैल्यू आपको 500 रुपीज़ तक मिल सकती है, वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 3000 दोनों ही मिंट की मिल सकती है। UNC कंडीशन में 6000 रुपीज़ दोनों ही मिंट की आपको वैल्यू मिल सकती है। और बात करी जाए दोस्तों 1878 के कॉइन की, तो इस सिक्के को सिर्फ कोलकाता मिंट से जारी किया गया था। इसकी रेयरिटी की बात करी जाए तो स्क्वायर की कॉइन कैटेगरी में आता है और फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 250 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 2000 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। और दोस्तों अगर 1882 की बात करी जाए तो इसका जो मिंट है आपको कोलकाता मिंट में सिक्के को जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो ये स्क्वायर के कैटेगरी में ही आता है और वैल्यू जो है इसकी 500 रुपीज़ आपको मिल सकती है, फाइन कंडीशन में, वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपीज़ और वेरी फाइन कंडीशन में 2000 रुपीज़, UNC कंडीशन में 5000 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। 1883 में जो कॉइन जारी किया गया था, इसको 2 मिनट में जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता मिंट में। दोनों ही मिंट की जो रेयरिटी है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आती है और फाइन कंडीशन में इसकी 100 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है, वेरी फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 2000 रुपीज़ आपको दोनों ही मिंट की वैल्यू मिल सकती है। 1884 के कॉइन की बात करी जाए तो इसको बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 1500 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों 1885 के कॉइन की बात करी जाए तो इसका जो मिंट मार्क है कलकत्ता मिंट में इस कॉइन को जारी किया गया था। रेयरिटी स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, फाइन कंडीशन में इसकी वैल्यू आपको 100 रुपीज़ तक मिल सकती है, वेरी फाइन कंडीशन में 250 रुपीज़ तक मिल सकती है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़ तक मिल सकती है और UNC कंडीशन में 2500 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है।
1886 के कॉइन की बात करी जाए तो इस सिक्के को दो मिनट से जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता मिंट से। दोनों ही सिक्के की रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में कॉइन आते हैं। 50-50 रुपीस तक आपको वैल्यू मिल सकती है फाइन कंडीशन में, वेरी फाइन कंडीशन में 150 रुपीस दोनों ही मिंट की, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 250 रुपीस दोनों ही मिंट की, और यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपीस बॉम्बे मिंट की और कोलकाता मिंट की 1500 रुपीस आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। 1887 से लेकर 1901 तक के जो कॉइन हैं इसके मिंट मार्क की बात करी जाए तो इन सारे ही सिक्के बॉम्बे और कोलकाता मिंट से जारी किए गए थे। रेयरिटी की बात करी जाए तो ये सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वैल्यू आपको फाइन कंडीशन में 50 रुपीस, वेरी फाइन कंडीशन में 150 रुपीस, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 250 रुपीस, यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपीस तक वैल्यू आपको मिल सकती है। एडवर्ड सिक्स्थ 1/12 आना कॉपर मेटल। दोस्तों इस सिक्के के ऑब्जर्व साइड की बात करी जाए तो इसमें प्रोफाइल बनी है किंग एडवर्ड सेवन की और रिवर्स साइड में वैल्यू लिखे है इंग्लिश में और ईयर लिखी हुई है। मेटल की बात करी जाए तो कॉपर में सिक्के को जारी किया गया था। वेट की बात करी जाए तो 2.16 ग्राम्स का ये कॉइन है। साइज की बात करी जाए तो 17.6 से लेकर 17.60 mm तक का इसका साइज है। सर्कुलर शेप है सिक्के का और दोस्तों कलकत्ता मिंट से ही इस सिक्के को जारी किया गया था, जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं है जैसे कि आपको पता ही है। तो चलिए अब हम इस सिक्के की वैल्यू की बात कर लेते हैं। दोस्तों 1903 का जो कॉइन है इसको कोलकाता मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में सिक्का आता है। फाइन कंडीशन में 50 रुपीस, वेरी फाइन कंडीशन में 100 रुपीस, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपीस तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। 1904 से लेकर 1906 तक जो कॉइन जारी किया गया था इस कोलकाता मिंट से ही जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी का कॉइन है। फाइन कंडीशन में 50 रुपीस, वेरी फाइन कंडीशन में 100 रुपीस, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 900 रुपीस तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। एडवर्ड सेवन 1/12 आना ब्रॉन्ज। ऑब्जर्व साइड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट में प्रोफाइल बनी है किंग एडवर्ड सेवन की और रिवर्स साइड की बात करी जाए तो वैल्यू लिखी है इंग्लिश में और ईयर लिखी हुई है। मेटल की बात करी जाए तो ब्रॉन्ज से सिक्के को जारी किया गया था। वेट जो है 1.62 ग्राम्स, साइज 17.40 से लेकर 17.60 mm तक का है, शेप इसका सर्कुलर है और दोस्तों सिक्के को सिर्फ कोलकाता मिंट से ही जारी किया गया था। बात करें अगर सिक्के की वैल्यू की तो 1906 का जो कॉइन है वो कोलकाता मिंट में जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो रेयर कॉइन है। फाइन कंडीशन में 500 रुपीस, वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपीस, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपीस, यूएनसी कंडीशन में 5000 रुपीस तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। और 1907 से लेकर 1910 तक के जो कॉइन है इसको कोलकाता मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में 50 रुपीस, वेरी फाइन कंडीशन में 100 रुपीस, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपीस और यूएनसी कंडीशन में 500 रुपीस तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को 5 कॉइन्स की वैल्यू बता पाया, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको इसमें थोड़ा बहुत ब्रिटिश रूलर्स के बारे में बताया, इस वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने आपको इस वीडियो में 5 कॉइन्स के बारे में बताया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के बारे में, जो नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारे सीरीज़ का, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स के बारे में पता चलेगा, तो उस एपिसोड को भी आप ज़रूर देखिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप अगर हमारे बेल आइकन को दबाएंगे तो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।